हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हियर आई एम विद माय अनदर स्टडी व्लॉग। और बस अभी अभी कुछ दिनों पहले भाई के एग्जाम हुए तो वो भी अभी फ्री है, तो एडिटिंग वगैरह का भी कोई टेंशन नहीं है कि वो बिजी रहेगा तो एडिटिंग होके अपलोड नहीं हो पाएगा। और मुझे आप लोगों को ना दो चीज़ें इन्फॉर्म करनी थी आज, तो इसीलिए मैंने आज व्लॉग बनाया स्पेशली वो दो चीज़ें इन्फॉर्म करने के लिए। मैंने सोचा कि कल आप लोग ने बोला डेली व्लॉग डाल दिया करो, तो मैंने सोचा छोटा सा थोड़ा सा व्लॉग डाल देते हैं। तो सबसे पहली बात जो है मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है PW के बैचेस के बारे में। जैसे हम सभी को अभी पता था कि गुरु पूर्णिमा, तो हमेशा PW हर किसी ओकेशन में कुछ ना कुछ स्पेशल गिफ्ट देते ही है स्टूडेंट्स को। तो इस बार गुरु पूर्णिमा के मौके पर स्पेशल ऑफर आया है PW के बैचेस में। यकीन 3.0, यकीन हिंदी, यकीन इंग्लिश, अर्जुना 2.0, लक्ष 2.0, ये सारे बैचेस आपको सिर्फ और सिर्फ 3,600 रुपीज़ में मिलेंगे। एंड ये जो ऑफर है, स्पेशल ऑफर, 3rd of July से लेके 8th of July तक के ही है। तो जिन लोगों ने ये बैचेस में एनरोल नहीं किया है, आप जल्दी से एनरोल कर लो। और आप अगर बैच परचेस करते टाइम मेरा कोड लगाते हो RM150, तो आपको इंस्टेंट 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। एंड इस कोड को आप बुक्स वगैरह परचेस करते टाइम भी यूज कर सकते हो। चलो अब बात करते हैं कि आज मैंने मेरा दिन कैसे स्टार्ट किया। सबसे पहले आज मैं उठी थी 9 बजे, एग्जैक्ट 9:10 के आसपास मैं उठी थी। जैसे कि मैंने मेरे पुराने व्लॉग्स में भी बताया कि मुझे पर्सनली लेट नाइट स्टडी रूटीन पसंद नहीं है, बट मेरी मजबूरी हो गई थी क्योंकि मुझे रात को नींद नहीं आती थी, इसलिए मैं रात को पढ़ती थी और वही आदत बन गई थी। पर अब मैं फिर से कोशिश कर रही हूँ कि मेरा लेट नाइट स्टडी रूटीन चेंज होके अर्ली मॉर्निंग स्टडी रूटीन बन जाए। अर्ली मॉर्निंग मतलब ये नहीं कि सुबह 4 बजे 5 बजे से उठ रही हूँ, एटलीस्ट 6 बजे उठ के 7:30 8 बजे तक के पढ़ने बैठ जाओ, ये मेरे लिए अच्छा होगा। क्योंकि देखो मेन चीज़ ये है कि अगर लेट नाइट स्टडी रहती है ना तो मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती है। प्रॉपर खाना नहीं खाती मैं टाइम पे, इसकी वजह से हेडेक वगैरह 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 ढेर सारी चीज़ें होती है। और मुझे घर पर डांट भी पड़ती है अगर मैं रात को जाग के पढ़ाई करूँ। घर वाले बोलते हैं कि सुबह 4 बजे उठ जाओ पर रात भर मत जगो। देखो इस वक्त जो आपको स्क्रीन पे जो क्लिप दिख रही है वो है जब मैं बायोलॉजी पढ़ रही थी, मतलब जूलॉजी का रिवीजन कर रही थी, क्योंकि 9 तारीख को हमारा टेस्ट है एंड जो 2 जुलाई को टेस्ट था उसमें मैंने बायोलॉजी की प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं की थी। मतलब मैंने ऐसे बिना पढ़े बायोलॉजी का टेस्ट दे दिया था, जूलॉजी बॉटनी, एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे सारे क्वेश्चन सही हुए थे क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा ईजी आए थे। एंड आप लोगों ने 2nd of July में जो मेरा स्कोर आया उसके बारे में पूछा था, तो वो स्कोर आया था मेरा 152। देखो मेरा जूलॉजी के सारे क्वेश्चन सही थे, बॉटनी के भी सारे क्वेश्चन सही थे, फिजिक्स के भी सारे क्वेश्चन सही थे। सही क्यों थे सारे के सारे? क्योंकि पेपर बहुत ईजी था, ठीक है, कोई भी बच्चा सही कर लेगा। इवन मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के सारी चीज़ें करेक्ट होंगी, पर मैंने फिजिकल केमिस्ट्री स्किप कर दी थी। फिजिकल केमिस्ट्री के सिर्फ 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कि सही हुए थे, बाकी मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन स्किप कर दिए थे। बाकी जितने क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए सारे सही थे, क्योंकि फिर से क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा ईजी था। आज मैंने अपने स्टडीज़ की शुरुआत की केमिस्ट्री से, क्योंकि केमिस्ट्री का एक लेक्चर बैकलॉग था मेरा, मूल कंसेप्ट का, ऋतिक सर का लेक्चर, तो मैंने वो कंप्लीट किया। 2-3 घंटे तो उसको कंप्लीट करने में निकल ही गए। एंड उसके बाद ना मैंने फिर बायोलॉजी का रिवीजन किया, जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने जूलॉजी का रिवीजन किया। जूलॉजी का मैंने सारे नोट्स पढ़े सबसे पहले, नोट्स कंप्लीट करने के बाद मैंने DBB सॉल्व की उस चैप्टर की सारी, एंड उसके बाद फिर मैंने मोल कंसेप्ट का रिविजन किया। मोल कंसेप्ट के मैं नोट्स अभी इसलिए रिवाइज करी क्योंकि जो 4th लेक्चर था वो लाइव चल रहा था एंड मुझे लाइव देखना नहीं था, मैं रिकॉर्डेड का वेट कर रही थी, इसलिए तब तक के मैंने अपने नोट्स रिवाइज़ किए इस चैप्टर के अच्छे से। एंड वैसे भी ऋतक सर ने पहले ही कह रखा है कि फिजिकल केमिस्ट्री में NCERT पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नोट्स पढ़ो, उतने में ही काम हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली मुझे फिजिकल केमिस्ट्री की NCERT बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझसे पढ़ी ही नहीं जाती बिल्कुल भी। आप लोगों को आज के लेक्चर, मतलब बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो 4th लेक्चर है, आज का लेक्चर इन क्लिप्स में नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किए एंड मैं ये व्लॉग जल्दी अपलोड कर रही हूँ। मैंने रात तक का रिकॉर्ड नहीं किया, शाम तक के ही रिकॉर्ड किया है, तो जो भी होंगे मैं वो शाम से लेकर रात तक का कंप्लीट करूँगी आज के लेक्चर्स। और आज के जो भी लेक्चर होंगे उसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं लगाऊंगी मोल कंसेप्ट के सारे DPP जो कि अब मैंने अभी तक नहीं लगाए थे।
एंड हाँ, मैंने आपको आज कहा था ना कि मैं दो चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करने वाली, तो दूसरी चीज़ जो है वो है YBT ग्रुप के बारे में। प्लीज़ जो लोग डबल डबल ग्रुप में एडेड है, प्लीज़ ऐसा मत करो, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको ऐड होने का मौका दो। और आप लोग प्लीज़ बिना ब्रेक के पढ़ाई मत करो, क्योंकि आप बिना ब्रेक लिए बस लगातार टाइमर ऑन करके पढ़ते जाते हो और टॉप रैंक में कुछ लोगों का आ जाता है कभी कभी, और जो बच्चे मेहनत करके पढ़ रहे हैं ना वो अपने टॉप रैंक में नहीं आ पाते। तो प्लीज़ थोड़ा सा ब्रेक लो, जेन्युइनली पढ़ाई करो, बिल्कुल फर्जीवाड़ा मत करो प्लीज़। और जो भी ऐसा करेगा, मतलब ज़बरदस्ती टाइमर ऑन करके छोड़ देगा, और जो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करेगा उसको मैं अपने आप ही बिना वार्निंग दिए बाहर निकाल दूँगी ग्रुप से। क्योंकि एक एक चीज़ को आपको बताना, फिर आपसे पूछने के बाद फिर आपको बाहर निकालना, इसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो जो सीरियसली पढ़ाई नहीं करेगा ग्रुप में तो मैं उनको हटा दूंगी, ताकि बाकी स्टूडेंट्स डीमोटिवेट ना हो। ठीक है, तो आज का व्लॉग यही एंड करते हैं, इतनी बातें करनी थी। क्योंकि मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय, जय श्री राम, जय माता दी।